हाय, मैं हूँ डॉक्टर शर्यू। काफ़ी दिन के बाद में मैं आपके सामने आ रही हूँ। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से शूट नहीं हो पाया वीडियो। आज हम बात ऐसी करने वाले हैं कि कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं जिसके लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं आफ्टर बायोप्सी, हम लोग उसे पैथोलॉजी में भेजते हैं और उसकी जो एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट कहते हैं, और उसे एक मेडिको लीगल ऐसे इम्पोर्टेंस होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सिंपल फाइब्रोएडिनोमास की केसेस होती है, जनरली ये अनमैरिड गर्ल्स में होती है। जो फाइब्रोएडिनोमास होते हैं उसे हमें सर्जरी करनी पड़ती है, और बहुत बार कुछ अनमैरिड गर्ल्स जानबूझ के स्कार दिखेगा, इस एक ही रीज़न की वजह से वो सर्जरी नहीं करते। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस लड़की का नाम है सुनीता, उसका हस्बैंड आके मेरे सामने फाइल्स लेके बैठ गया और कहने लगा कि देखो ये क्या कैंसर है। मैंने देखा, पूरी फाइल चेक की और कहा कि पेशेंट कहाँ है। तो कहने लगा पेशेंट को तो हमने लाया नहीं है। फिर थोड़ी देर में उसकी माँ आ गई और फिर उसने वो कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो, हमें ये सब उसे बीमारी थी और हमसे उसने छुपा के रखा, हमें बताया नहीं, और अब प्रॉब्लम ऐसी है कि इतनी सारी बड़ी बीमारी उसके शरीर में है, हम फंस गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें। मैं बोली इतना सब आप कह रहे हो, लेकिन ये केस तो काफ़ी सिंपल है, सिंपल फाइब्रोएडिनोमास लिखे हुए हैं यहाँ पे, है तो मल्टीपल, लेकिन कोई बात नहीं, इसका तो ट्रीटमेंट होता है, और अगर ट्रीटमेंट होता है तो उसके लिए इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर सेकेंड डे वो अपनी वाइफ को लेके आया, उसे फिर मैंने एग्जामिन किया और फिर हमने डायग्नोस किया कि ये केस जो है ये मल्टीपल बाइलेटरल फाइब्रोएडिनोमास की केस है। फिर मैंने उसे पूछा कि भाई तुमने ये ऑपरेट क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि भाई ये तो छोटे थे, कुछ बड़े नहीं थे, इतने अभी अभी 1 महीने में बढ़ गए हैं, लेकिन शुरू में इतने छोटे थे कि हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और फिर माँ कहती थी कि चलो भाई अगर ऑपरेट कर लेंगे तो स्कार दिख जाएगा। अब स्कार की इतनी वैल्यू क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। शादी के बाद अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो काफ़ी सारे स्कार आ जाते हैं, तो वो चलते हैं लोगों को, और अगर प्रॉब्लम लेडीज़ की है तो प्रॉब्लम है, अगर यही प्रॉब्लम अगर जेंट्स की होती या उसके हस्बैंड की होती तो क्या सुनीता उसे छोड़ देती। मेडिको लीगल केस पेपर के ऊपर, जो पैथोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के ऊपर आज मैं जो बात करने वाली हूँ, तो उसका इम्पोर्टेंस यही है कि अगर आप अनमैरिड हो और आपको मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमास है या सिंगल फाइब्रोएडिनोमास है, तो आप सर्जरी के लिए बिल्कुल मत हिचकिचाना, क्योंकि छोटा सा स्कार होता है लेकिन जब हम लोग उसे चेक करते हैं तो उसके ऊपर हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आ जाता है कि भई ये फाइब्रोएडिनोमा है। तो वो जो रिपोर्ट है, शादी के बाद में आप अपने हस्बैंड को या फिर अपने ससुराल वाले लोगों के सामने आप वो रिपोर्ट रख सकते हो, जिसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है आपके ज़िंदगी में आप फेस नहीं करेंगे। अब जब नौबत डिवोर्स तक की आ गई, तो फिर मैंने उन्हें समझाया, काउंसिलिंग की कि भाई इसे हम लोग ऑपरेट करके बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। फिर उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद में बायोप्सी हुई, उन्होंने कहा कि भाई एक ही टाइम पे दोनों ब्रेस्ट का सर्जरी करेंगे क्या? तो फिर मैंने कहा हाँ, एक ही वक्त पे हम दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी करेंगे, और हो सका तो हम एक ही इंसिजन से, जिसे हम कॉस्मेटिक इंसिजन्स बोलते हैं, जहाँ स्कार ना दिखे ऐसी जगह से हम वो जो मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमास है वो निकालने की कोशिश करते हैं।
कभी कभी सिर्फ एकाध या दो ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ यानी डिफ़िकल्ट जाता है सिंगल इंसिजन से निकालना, तो हमें अलग एक इंसिजन देना पड़ता है। लेकिन इंसिजन से डरने की क्या आवश्यकता है, लोग लेज़र वेज़र की बात करते हैं लेकिन वो भी तो एक कटिंग ब्लेड है। ये गलत फहमियाँ लोगों में हैं कि वो जो लेज़र होता है उससे स्कार नहीं दिखता है, तो ऐसी भी बात नहीं है। ग्रेजुअली स्कार जो है ये फेडअप होते हैं, किसी किसी की स्किन की प्रॉब्लम होती है वहीं स्कार दिखते हैं, नहीं तो स्कार वो ग्रेजुअली फेडअप हो जाते हैं, दिखते भी नहीं। बहुत बार तो सर्जरी करने के बाद में ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ की थी तो ऐसी भी बात है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि एक छोटी सी चीज़ की वजह से अगर चीज़ें डाइवोर्स तक के आ जाती है तो ये गलत बात है। और जहाँ तक के फाइब्रोएडिनोमास की बात है, वो तो सिंपल फाइब्रोएडिनोमास होते हैं, सिंपल ट्यूमर होते हैं। उसके कॉजेस क्या है, फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी। तो सभी अनमैरिड गर्ल से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आपको कोई भी फाइब्रोएडिनोमा है या कोई भी ऐसी बेनाइन पैथोलॉजी है, तो आप कोई भी हिचकिचाहट न रखते हुए डायरेक्टली सर्जिकल अगर ट्रीटमेंट है तो सर्जरी कर लेना, और सर्जरी के बाद में जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट होता है वो आपको फैमिली बनाने के लिए आपकी मदद करेगा। आपके फैमिली में यानी आपकी जो शादी होने वाली है वहाँ पे आपको ये रिपोर्ट हेल्प करेगा कि ये एक सिंपल सा ट्यूमर था और इसकी सर्जरी हो चुकी है और अभी पेशेंट को कोई खतरा नहीं है। अगर आप ये शादी के पहले नहीं करते हो और शादी के बाद में फिर अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो दोनों फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती है, ससुराल वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मायके वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेशेंट खुद डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या होगा उसके लाइफ का। एक सिंपल सी सर्जरी अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है तो क्यों नहीं करना, कर लेना ना। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप छोटी ये सर्जरी होती है तो कर लो, फिर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आजकल काफ़ी लोगों के बीच में आती हुई नज़र आती है। और मैं काफ़ी काउंसलिंग करती हूँ ऐसे फैमिलीज़ में, और लोगों के डाइवोर्स होने का जो मार्ग है उसको बदल के उनकी लाइफ सेटल करने में काफ़ी मदद करती हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।